हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप वर्ल्ड कप में सेशन जो है वो कैसे खेल सकते हैं। जो भी मैचेस बचे हैं बड़े आराम से, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप जो है बड़े आराम से खेल सकते हो। फैंसी बेट जो होता है वो आपको थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आप जो है इसे आराम से अपने बेसिस पे जो है वो कर सकते हो। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक आप वर्ल्ड कप के लिए मुझसे नहीं जुड़े हो, तो ये जो है आपको व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक, आप यहाँ पे जो है जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। सेशन जो है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें अभी तक हो रही है, तो उसको जो है आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे देख सकते हो कि अपने हिसाब से जो है कैसे जो है आपको खेलना है। और लेकिन अगर आप वीडियो फॉलो करोगे लास्ट तक, तो शायद आप जो है अपने आप से खेलना जो है वो सीख जाओगे कि कैसे जो है आपको वर्ल्ड कप में किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप पे जो है वो जो भी मैचेज हो रहे हैं सिर्फ 3 ग्राउंड पे जो है वो मैचेज सारे होंगे। और ये तीनों ग्राउंड कौन कौन से होंगे उसको जो है हम लोग एक बार सबसे पहले आप देख चुके हो, और पिच रिपोर्ट जो है वो सबका अवेलेबल है। और ऐसे मामले में पिच रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट ही जो है वो बताता है कि आपको जो है मैचेज किस तरह से होंगे, किस तरह से जो हो खेले जाएंगे। और ये सारे डिटेल जो आपको कौन बताता है, तो वो बताता है पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट जो है आपको सबसे पहले फॉलो करना है, और मैंने भी जो है वो सारा पिच रिपोर्ट जो है वो डाल दिया है चैनल पे, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 3 ग्राउंड है एक एक करके जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबू धाबी में। अबू धाबी को बहुत पता है कि जो पिच रिपोर्ट है वो आपको, अब वीडियो जो है वो देख लिया आपने तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आप पिच रिपोर्ट आप देखोगे ज़्यादा रन जो हो नहीं बनते हैं। एक स्कोर जो रहता है वो मिनिमाइज स्कोर रहता है, यानी कि ज़्यादा स्कोर जो है आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन इससे सेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेशन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप 6 ओवर का सेशन देखो, तो जो ओपन होता है वो 44-45 जो है अभी ओपन हो रहा है। और 44-45 के अलावा भी आप देखोगे तो कभी 40-39-40 होता है, कभी 47-46 होता है, अगर टीमें जो है वो अच्छी हो तो इसी तरह से जो है सेशन ओपन होता है। अब जब सेशन होता ओपन होता है, तो आप देखोगे 6 ओवर का सेशन का अधिकतर ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो ऐसे ग्राउंड पे नॉट होगा जहाँ पे जो ग्राउंड हो वो सबसे पहले जब देखोगे बॉलिंग को सपोर्ट करता हो, यानी कि जो सबसे पहले बॉलिंग को सपोर्ट करेगा वो ग्राउंड जो है आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो नॉट होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो नॉट होगा। 4-5 मैचों में ऐसा होगा कि 1-2 नॉट हो रहे हैं, बाकी 1-2 जो है वो चेस हो अच पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसे देख लोगे कि यहाँ पे जब 45-44 ओपन हुआ था, पास जो कितना हुआ था वो हुआ था आपको 29/3 जो है वो पास हुआ था, जो कि एक रिलेवेंट जो है वो नहीं है। ये रिलेवेंट इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो 6 ओवर का सेशन है वो आपको अधिकतर जो चांसेस है वो लेके चलना है कि जो मैक्सिमम लिमिट ऊपर आता है जो ओपन होता है रेट उसको आप नॉट करोगे, और जब नीचे जाता है तो आपको 7-8-10 रन का डिफरेंस मिलता है तो यस कर लोगे, तो आपका जो 6 ओवर रहेगा वो काफ़ी सेफ रहेगा। और उसी तरीके से जो आपको करना है, मैं भी कराता हूँ, तो उसी तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे करा के देता हूँ। अब हम बात करते हैं जो 10 ओवर का सेशन होता है उसमें जो है आपको, जैसे यहाँ पे देखो 55-56 जो है ओपन हुआ तो पास कितना हुआ 59 हुआ। अब यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने बताया था कि जो +6-- रूल होता है उस रूल को आपको फॉलो करना है, यानी कि जो भी सेशन होगा ऊपर जो है आपको ओपन होगा वहाँ से जो है आपको अगर नीचे 6 रन आता है तो आपको यस करके चलना है, नीचे 6-7 रन आता है तो, और 6-7 रन ऊपर जाता है तो आपको नॉट करके चलना है। आप उस सेशन से आप यहाँ देखोगे तो 45-40 ओपन हुआ था, और 45-40 में अगर +6 करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 62-61 जो है वो सेशन ये आया था जो कि नॉट भी हुआ था। और उसके नीचे आप देखोगे तो ये सेशन जो है आपको देखने को मिला कि 50 जो है वो 50-51 के आसपास जो हो गया था जो कि यस हुआ। तो वो सेशन जो है आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है, जो ओपन हो रहा है उस रेट को बिल्कुल भी जो है वो आपको छेड़ना नहीं है। जो भी ओपन हो रहा है तो जो ओपन है वो उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ना नॉट करना है ना यस करना है। जब सेशन ऊपर नीचे जाने लगे तब जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ परफॉर्म करना है और उसी हिसाब से जो है आपको चलना है। आप इसको आप 15 ओवर से भी देख सकते हो, 15 ओवर में जो है 94-95 जो है वो ओपन हुआ और आप नॉट देख लोगे या यस देखोगे कितना जो है वो कम हुआ। और ये भी डिपेंड करता है कि विकेट अगर बीच में गिरता है किसी चीज़ का तो विकेट पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। अगर विकेट कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो अगर किसी सेशन में किसी भी जो पीरियड होता है उस पीरियड में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 विकेट जो है वहाँ पे 3 विकेट था, यहाँ पे जब देखने को मिला कि एक बार रुक जाओ, यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 विकेट था, यहाँ पे 4 विकेट था, यानी कि 1 विकेट गिरता है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि सेशन जो है वो यस होगा। अगर 2 विकेट बीच में गिर जाता है तो आप देखोगे 2 विकेट में जो है सेशन जो है अधिकतर नॉट हो जाता है। 2 से 3 विकेट अगर गिरता है किसी भी
किसी भी जो भी इनिंग चल रहा हो उसमें, तो उसमें जो है नॉट के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे फिर से जब देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको जो भी लास्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने यहाँ 5-6 का रूल लगाया तो वो जो है आपके पास हो जाते हैं। तो इस तरह का जो आपको सेशन जो है वो करना है जब भी अबू धाबी में मैचेज होगा। दुबई में होगा तो दुबई में आप देखोगे कि दुबई में जो आप देखोगे सेम रूल जो है आपको लगता हुआ फॉलो हुआ नजर आएगा। जैसे आप 44-45 ओपन हो रहा है तो 5 जो आप देखोगे फर्स्ट जो 6 ओवर है वो कैसे हो रहा है। फर्स्ट 6 ओवर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ नज़र आ जा रहेगा कि अधिकतर जो है चांसेस यही रहता है कि वो जो है आपको नॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 45-46 ओपन हुआ, पास कितना हुआ 44। अगर आप 6-6 रन का जो है वो आप ऊपर नीचे कर दे तो ये जो है आपको यस नॉट दोनों में जो है पास होता हुआ नज़र आ जाता। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो 20 ओवर ओपन हुआ, 15 जो है ये नहीं हुआ था इसमें, 20 ओवर हुआ 59 और 60 जो है वो आपको ओपन हुआ और पास कितना हुआ 55। तो यहाँ पर अगर 5-6 रूल करोगे तो भी जो है आपको आराम से ये चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगा। और यही हम बात करते हैं शारजहाँ का, तो शारजहाँ में जो अभी स्कोरिंग ग्राउंड है, शारजहाँ में जो अभी बहुत ज़्यादा जो है स्कोर हो रहा है तो आपको उसी के हिसाब से खेलना है। आप देखो यहाँ पे 37-38 ओपन हुआ क्योंकि शारजहाँ के ग्राउंड जो है सबको लग रहा था कि एक तरह से जो है आपको देखोगे कि यहाँ पे कि ये ग्राउंड जो है वो बैटिंग को फेवर नहीं कर रहा था आईपीएल में, लेकिन जब यहाँ पे मैचेज हुआ तो पता चले कि ये तो बहुत ज़्यादा बैटिंग ग्राउंड जो है वो बन गया है। जैसे आप ये देखो 37-38 ओपन हुआ, पास कितना हुआ तो 41 पास हुआ, यानी कि अगर +6 लगाओगे तो भी जो है ये आपको यहाँ पे यस भी होगा नॉट भी होगा दोनों जो है वो चांसेज रहेगा। यहाँ पर देखो तो आपको देखने लगे 64-65 जो है ओपन हुआ, पास कितना हुआ 72 हुआ, +6 लगाओगे तो दोनों जो है यस नॉट दोनों जो है पास होगा। इसके अलावा 107-108 जो है ओपन हुआ और पास कितना हुआ 18, इसमें आप अगर यस करते तो आपको जो है इसमें 4-5 तक जो है यस मिला था, अगर 4-5 यस करते तो आपको जो है आराम से पास होता। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 64 जो है वो पास हुआ था और यही आपको 45 के आसपास भी जो है वो देखने को मिला था, 45 तक जो है ये चीज़ें आया था। तो अगर 45 तक आया था तो 45 में जो है यहाँ पर करते तो आपको जो है ये पास होता हुआ ऑलमोस्ट नजर आता। तो आपको जो है समझ गया है कि कौन सा रूल जो है वो फॉलो करना है, और वो रूल है आपको यहाँ पे देख के चलना है +-6 का जो है वो रूल अप्लाई करना है। यानी कि जो भी रेट ओपन होगा वो अगर नॉर्मल मैच हो रहा है, अगर एबनॉर्मल मैच हो जाता है कि उस पीरियड में जैसे कि 6 ओवर का पीरियड हुआ, 6 से 10 का हुआ, 10 से 15 का हुआ, 15 से 20 का हुआ, अगर 2 विकेट गिर जाता है तो वहाँ पर सेशन ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो सेशन जो है जो ओपन हुआ है वो पास नहीं होगा, वो नॉट हो जाएगा। और अगर 1 विकेट गिरता है तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये जो है आपको पास होता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो सेशन जो है वो यस हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आप सेशन खेल भी देते हो कि मान लो आपने सेशन शुरुआत में जो खेल दिया, अगर सेशन खेल दिया तो आपको आपको लगता है कि बीच में 1-2 विकेट चला गया तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे जो है सेशन आपको नॉट जो है वो होने वाला है, यस जो है वो नहीं होगा। अगर 2 से 3 विकेट चले गए बीच में उस पीरियड में तो आप समझ लेने कि वहाँ पे जो है वो सेशन आपका फेल हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से जो है बच सकते हो, जो भी सेशन खुलेगा तो उसके हिसाब से आप बच सकते हो। और हमेशा +-6 का जो है वो रूल लगा के खेलो। और इसके अलावा जो है जो भी सेशन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है पिच पे। अगर पिच जो है आप देखो अगर बॉलिंग ज़्यादा पिच है तो ज़्यादा चीज़ें होती है कि नॉट नॉट जो है वो चला जाता है। अगर बॉलर अच्छा है तो जैसे राशिद खान हो गया उस तरह सब जो अगर कोई बॉलर है तो आप रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं ले सकते। आपको बॉलर पे लेके चलना है कि अगर कोई बॉलिंग कर रहा है कोई यूनिट तो बॉलर उसमें कैसे कैसे, अगर अच्छे बॉलर हैं तो आप उनके खिलाफ ज़्यादा चांसेस जो है वो नहीं ले सकते। बैट्समैन अगर अच्छा है कि बहुत ज़्यादा धुआंधार बैट्समैन है कि जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे इवन लिविस जैसा बल्लेबाज जो है आपको क्रीज पे है तो आपको चांसेस जो है वो कम लेना है, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज जो है आपको अनगिनत जो है वो रन दे सकते हैं। वो आपको 6 ओवर में 60 भी पास करा सकते हैं, 6 ओवर में 70 भी पास करते हैं और 6 ओवर में 30 भी पास करा सकते हैं। इसलिए वेदर पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि दुबई में जो आपको पता है वेदर सेम रहने वाला है, तो जैसा कंडीशन है वैसा ही रहने वाला है, बारिश वैसे कोई चांसेस नहीं होते। यहाँ पर वेदर जो है आपके लिए फॉलो नहीं करेगा। बाउंड्री जो है ऑफकोर्स फॉलो करेगी, जैसे शारजहाँ का बाउंड्री छोटी है तो बाउंड्री पर जो है आपको ज़्यादा जो है वो डिपेंड होता है कि ज़्यादा चांसेस रहता है जैसे रन जो है ज़्यादा पास होंगे। जैसे दुबई की बात करोगे दुबई में बाउंड्री जो है थोड़ा बड़े हैं, तब रन भी देखोगे थोड़ा सा कम लग रहा है। सर टाइमिंग भी जो है बहुत डिपेंड करता है। टाइमिंग में जैसे कि जो सुबह वाला मैच होता है उसमें जो है थोड़ा सा कम चांसेस रहता है, थोड़ा सा कम रन बनता है, लेकिन शाम वाला मैच में आप देखोगे कि थोड़ा सा मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो थोड़ा सा रनें जो है ज़्यादा बनती हैं। तो वहाँ पे जो आप देखोगे जैसे आप मौसम का हमेशा ध्यान रखोगे, जैसे मैच स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा जो है ड्यू नहीं आता है, लेकिन जैसे जब लंबी चल रहा हो 20 ओवर चल रहा हो तो वहाँ पे जो है ग्राउंड पे थोड़ा सा ड्यू आना शुरू हो जाता है, तो लंबी जो है ज़्यादा चांसेस रहता है कि अगर ड्यू वाला ग्राउंड है तो पास जो है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखो कि एक जो भी सेशन खेल रहे हो आप 6 10
या फिर आप 15 खेल रहे हो, 20 खेल रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही सेशन खेलो, चाहे वो पास हो या नॉट हो। तो जो है आपको पास जो है वो भी करना है, ब्रैकेट तभी लगाना है जब को आपको जो है कम से कम 10 रन का जो है गैप मिल रहा हो। जैसे आपने मान लो कि 38 जो है यस कर लिया, अगर 58 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो आप नॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप ब्रैकेट लेकर चल सकते हो। अगर 10-11 रन का ब्रैकेट मिल रहा है तो आप जरूर जो है वो अप्लाई करो। और सेशन में हमेशा जो है अपने आप को बैलेंस रखते हैं, बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी मैच में 2 सेशन यस हो गया तो इसका मतलब अगला 2 जो है वो नॉट होगा। अगर एक नॉट हुआ है, एक यस हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगला जो है वो एक नॉट हो सकता है, एक यस हो सकता है। अगर दोनों नॉट हो रहे हैं, तीनों नॉट हो रहे हैं, तो ज़्यादा चांस रहता है कि चौथा भी जो है वो नॉट रहेगा, यस के चांसेस जो है बहुत कम रहता है। तो इस तरह से जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा जो ओकेशन है खेलने का वो सोचना चाहिए कि नॉट आउट मुकाबले, फाइनल और जो नॉर्मल मैचेज होते हैं इनमें खेलना चाहिए। बाकी जो एक्सेप्शनल मैचेज होते हैं, जैसे कि जहाँ पे विकेट 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 जाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंड्री लग रहा है, वैसे मैचों में जो थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे जो है आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जो व्हाट्सअप का नंबर है, और साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको सारे डिटेल जो है मिल जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो।